अधिकारी पीछे खांदे रहेंगे और अपना काम चलांदे रहेंगे, ना कदे बने और ना बने बरवाला का काम। एक तो नारियल फोड़ दिए सड़क बनने लगी था, क्या लोग आए मिस रोज देखा सिर फूटे हैं डेड है के, हाँ सिर भी फूटे से एक्सीडेंट भी हो रोज, हाँ मैं रोज बीच बचावा करवा किम बात नहीं भाई किम बात नहीं। छह घटना हुई थी कि डिलीवरी थी, उसकी डिलीवरी गाड़ी में डिलीवरी हो गई थी उसकी, इतने गड्ढे हैं कि उस गड्ढे झटके लग लग के रास्ते में डिलीवरी हो चुकी है। फायदा भी है तो फिर? नहीं फायदा तो नहीं है, देखो आम तारा तो नुकसान से है, तारा तो नुकसान से धरती पहुंची गुंडी डिलीवरी, लेकिन विधायक ने एक नंबर काम करा क्या, अस्पताल में जाने की जरूरत कोई गाड़ी में डिलीवरी होने बिल्कुल बुरा हाल है। तो भाई बरवाड़ा में जैसे डिलीवरी करवानी हो तो गाड़ा में को गाड़ी डालो, क्यों फायदा बरवाड़ा में लिखने लग रहा है, क्योंकि हालात इसे है ऊंचा नीचा भाई, अस्पताल तक पहुंचे उससे पहले डिलीवरी हो ली है, क्योंकि विधायक मालिक से फिर मालिक है तो सोचे तो नहीं खो दिखा गेट दिया सौदा गल्ला था सियाक गल्ला है। अच्छा सियाक का गल्ला था, गल्ला था। थोड़ी सी बारिश होते बहुत ही समस्या का सामना तो आने जाने में समस्या हो जाती है, होती है सर। बरवाड़ा में तो कौन सी भी गली नहीं है कि सही से आ जाए, एक रास्ता भी नहीं है, नहीं है ऐसा। विधायक आज वो पैट दे है, वो विधायकारी खाए जाए, वो फाइला में कागज ये कर दे, वो मतलब पांच साल का विजन भी नहीं है, कहाँ जाएगा हमारा देश, गर्त में जाएगा। गार दो दिन जमा टूटी फूटी है सारी, एक भी सही को जान की कोई बड़न की जगह नहीं, पीछे पीछे खंड का काम करे काम करते को नहीं, पीछे पीछे चाहिए अधिकारियां ने खाने, बाकी कुछ नहीं। छोरी थी और छोरी के सर पर नुआ दे रहा था और दो सिर भी दिए थे, मैं बेटा तो जीतेगी। अच्छा ठीक है। अच्छा उनने नुए नहीं बेरा, इंद्र कौन है, नेंद्र हूँ मैं। अच्छा वो छोरी हटके मिली फिर ना, क्या नहीं वो तो कौन मिला है मैं कहता हूँ तो और भी ज्यादा यहाँ पर हमें लाइब्रेरी बहुत मुश्किल से। एजुकेशन पर कितना असर पड़ने लग रहा है इस माहौल का? बहुत पढ़ा, अगर एजुकेशन हम अगर पढ़ना चाहते तो हम अपने आसपास का एरिया साफ सुथरा देखना चाहेंगे, तभी हम अपना मूड बना सकते हैं पढ़ाई का। वो चीज़ है वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। कहाँ से? दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है भाई। फिलहाल बरवाड़ा में मौजूद हूँ और बरवाड़ा का तब बेरा है, फिलहाल की अगर बात करूँ विधानसभा सत्र में विधायक जो है सबसे बेस्ट घोषित कर दिया, यानी बरवाड़ा का विधायक सारे विधायकों का बढ़िया घोषित करेगा, अवार्ड मिला उसकी, किस चीज़ का अवार्ड मिला हुआ चीज़ भी आपने दिखाओगे। बरवाड़ा के हालात की जब मैं बात करूँ या मैन गली है और एजुकेशन अब इसी बताया जाने लग रहा है, इसकी दिल्ली से तुलना करें से कि बरवाड़ा जितनी अगर बात कराएं, इस तरह परली साइड की बात कराँ, हॉस्पिटलों की बात करें तो हॉस्पिटल भी उरे हैं, एजुकेशन की बात करें लाइब्रेरी अकेडमी और बहुत सी संस्थाएँ जो है इस एरिया में है, लेकिन इसके हालात देखो यार, मैन गली में खड़े हैं, मैन गली के हालात देख लो, सारा का सारा ब्लॉक हो रहा है। आसपास के जो लोग यहाँ काम करते हैं, जिसके अस्पताल है, स्कूल है, कॉलेज है, जो भी है वो मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करांगे कि पूरा के कुछ है कि भाई अवार्ड तो मिलने लग रहे हैं। पहले डॉक्टर साहब से बात कर लें। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आपका हॉस्पिटल है मैन गली के ऊपर, देखो ये हालात हो रहे हैं, किस तरह मैनेज कर रहे हो सिस्टम में? ऐसा है जी, इस मामले में हम कॉलोनी के 10-20 आदमी पहले भी मिल चुके हैं, एसडी मैडम से मिल चुके हैं और नगर पालिका से मिल चुके हैं, उनका एक ही जवाब आता है कि बरवाड़ा का 70% एरिया अनअप्रूव्ड है, हम क्या करें, और कहते हैं कि सीएम के पास फ्लाइंग वो फाइल भेजी हुई है, जैसे ही अप्रूव हो जाएगा तो उसके बाद बोले इसकी ग्रांट सेक्शन कर दी जाएगी। लेकिन ऐसा है कि मैन गली का यहाँ से कम 5-10 हॉस्पिटल हैं, 20 अकेडमियाँ हैं, लाइब्रेरी है और 4-5 स्कूल हैं, यहाँ डेली हजारों की संख्या में आवागमन रहता है। हमने उनसे यही गुजारिश करी थी कि कम से कम इस मुख्य गली को तो आप पक्का कर दीजिए, ज़्यादा नहीं तो बाकी गलियां बाद में कर दीजिए, बोले विचार करेंगे, अब तक तो इसका कोई समाधान नहीं है और हम अपने पैसे से ही, खुद के पैसे से इसको बार बार कम से कम 5-6 बार मेंटेन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब अगर मैं बात करूँ, को इमरजेंसी केस है जे, को जच्चा का केस है जे, को और इमरजेंसी केस है जे, कुकर पहुंचा अस्पताल पीछे पीछे एक घटना हुई थी कि डिलीवरी थी, अच्छा उसकी डिलीवरी गाड़ी में डिलीवरी हो गई थी उसकी, इतने गड्ढे हैं कि उस गड्ढे झटके लग लग के रास्ते में डिलीवरी हो चुकी है। फायदा भी है तो फिर? नहीं फायदा तो नहीं है, देखो आम तारा तो नुकसान से है, तारा तो नुकसान से धरती पहुंची गुंडी डिलीवरी, लेकिन विधायक ने तो एक नंबर काम करा क्या, अस्पताल में जाने की जरूरत कोई गाड़ी में डिलीवरी होने बिल्कुल बुरा हाल है जी। तो भाई बरवाड़ा में जैसे डिलीवरी करवानी हो तो गाड़ा में को गाड़ी डाल लो, क्यों फायदा बरवाड़ा में लिखने लग रहा है, क्योंकि हालात इसे है ऊंचा नीचा भाई, अस्पताल तक पहुंचे उससे पहले डिलीवरी होने है, यह चीज डॉक्टर साहब ने बताई। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मास्टर जी इतनी बड़ी संस्था चलाने लग रहे हो इतने दिन तक, जो हालात बरवाड़ा के, जो गलियां के हालात है बरवाड़ा का, एजुकेशन अब बताओ आप इस एरिए ने। देखो भाई हमने तो पहले चेयरमैन जी को ही बोलिया था, विधायक जी को बोले यार 8 साल बीजेपी सरकार हो गया, हम किसी पार्टी से नहीं है, यहाँ हजारों की संख्या में बच्चे आते हैं लाइब्रेरी कैंपस में बहुत से है, मैं उनको मुखर्जी नगर कह जाता बरवाड़ा को यहाँ को, और ये आपका बस स्टैंड बिल्कुल सामने, जब 8 सालों में गली को नहीं बनी तो विकास के खोखले दावे करने का फायदा क्या है? मेवात तो दिख जाए उड़ तक
वहाँ, लेकिन ये गलियाँ नहीं दिखती विधायकों को, बेस्ट किस चीज़ का मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अवार्ड मिला मास्टर जी, पूरे सारे विधायक पाछे छोड़ दी, काम इतने कराने लग रहे हैं। अवार्ड मिला बधाई हो, लेकिन अवार्ड तो जनता को तो अवार्ड नहीं मिला। यदि बड़े बड़े नेताओं के बच्चे यहाँ पढ़ते तब तो ये शायद ये गली रातों रात बढ़ जाती। यहाँ किसान के, मजदूर के, एक ऑटो वाले के बच्चे पढ़ते हैं, तो इसीलिए ये गलियाँ नहीं बढ़ रही होगी भाई। तो हमें तो बहुत बुरा लगा, क्योंकि एक तरफ तो विकास के दावे, और जब बरुआड़ा का मेन जगह जहाँ हजारों बच्चे आते हैं, यहाँ ये गली नहीं बनी, फिर एक गांव में एक छोटी सी डाणी में विकास कैसे हो सकता। नारियल फोड़ दिए विधायक जी ने, दो तीन जगह फोड़िया अपना बेरा, इस मेन रास्ते का भी नारियल फोड़ दिया, अंतराम रोड का भी फोड़ दिया, दौलतपुर रोड का भी फोड़ दिया, यानी रोड पैड दिए, काम शुरू हो गया। देखो नारियल तो जी 8 साल से फूटन लग रहे हैं, नारियल फूटन लग रहे हैं, आम जनता से नारियल फूटे हैं, ये भी फूट रहे सारे सौदा नारियल गल्ला सड़क फोड़नी हो गए, कम से कम बनाए दो नारियल ना फोड़ो सड़क बना लो। मना करा था सवाल बोले, अगर पैड तो लेने फिर बनाओगे, पैड तो रखी है, गड्ढे खोद रखे है, बालक छोटे मोटे हैं बेचारे, उन्हें वेरा ही नहीं कितनी तला जाना है, कुकर आना है, ये बात भी होनी चाहिए। नहीं मलिक साहब क्या कहना चाहोगे बरवाड़ा के हालात ने देखते, जुगुरगाड़ और आपकी पूरी पूरी बस्ती का हालात देख लो कैसे रहे। सरकार का इतना बुरा हाल है भाई साहब कि अनअप्रूव्ड भी वो करेगी, अप्रूव भी वही करेगी। पहले तो सड़कें बन गई हैं, इस मार्केट में काफ़ी सड़कें बनी भी हैं, ये नहीं है कि सड़कें नहीं बनी है, बनी है सड़कें, लेकिन आज उसको ये नहीं दिख रहा, आज अनअप्रूव्ड कर दिया इसको, किस वजह से किया कोई पूछने वाला तो नहीं है ना सवाल। सड़कें बनाई जानी जरूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं, इन्हीं से ही विकास होगा, लेकिन अब बीच में सिर्फ ये कह के अंकुश लगा दिया गया है कि इसको अनप्रूव्ड एरिया कर दिया गया है। अनप्रूव्ड किस बात का करक है, यहाँ के 1982 के भी नक्शे पास हैं, सब कुछ पास है, दिखा भी दिए गए हैं, अप्रूवमेंट के लिए भेज दिए हैं, अभी करो इसको। कहते जी बहुत पहले 2004 में एक मार्केट पास हुई है, उसके बाद कोई मार्केट ही पास नहीं हुई, उनका सीधा कहना है। आपका चेयरमैन बना, उसने भी तो नहीं कहा था मैं अप्रूव करा दूँ सर, है ना। चेयरमैन से बात चल रही है, ये चेयरमैन ने ये नहीं कहा कि मैं नहीं बनाता, वो खुद ही यहाँ के नक्शे लेके गए हैं, सब कुछ करवाया उन्होंने, उन्होंने दोबारा फाइल लगाई है, लेकिन अधिकारियों को तो वो कह सकते हैं, वो उनको कुछ कर नहीं सकते, अपनी कलम से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पीछे से उन्होंने कार्य है। उन्होंने मुख्यमंत्री से भी बात की है, मीटिंग भी हो रही है, जितने ये एक बरवाला का मुद्दा नहीं है कि अप्रूव्ड एरिया बरवाला का कर दिया है, ये हर जगह का एरिया अप्रूव अनुप्रूव का चल रहा है। तो उन्होंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और वो कर भी रहे हैं। क्या लगता है भाई साहब, मैं अगर बात करूं कांग्रेस की सरकार रैली, कांग्रेस का विधायक रैली, बिल्कुल बीजेपी का रैली, जेजेपी आएगी, चेयरमैन की बात करें चेयरमैन सारी पार्टियां ही रैली, फिर भी विकास को नहीं लग रहा। बरवाला के हालात कदे जिंदगी में सुधरेंगे कि नहीं आई हो? बरवाला के विकास सुधरेंगे, लेकिन एक अच्छी बागडोर की जरूरत है, सीधी सी बात है, एक अच्छी बागडोर की जरूरत है। जो अब चेयरमैन आए हैं पता चल जाएगा कुछ एक वर्षों में कितना है उनके हाथ में। बागडोर की जब बात करूँ, अगर किसने नहीं मानो भविष्य बागडोर आड़ा अच्छी है, सारे एक से हैं। बागडोर का प्रपोजल तो अभी पता चलेगा, अभी तो बीजेपी का टाइम तो निकल गया, आप समझ लो इनका अभी 1 साल ही हुआ है, 1 साल में तो अभी इनको पता चला है कि अप्रूव अनअप्रूव एरिया भी अभी की है, पहले नहीं किया गया था, पहले तो सड़कें बन रही थी, अनअप्रूव सरकारी अधिकारियों ने कर दिया, तो वो अब कोशिश कर रहे हैं कि इसको सुलझाया जाए किसी माध्यम से, तो वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। तो भाई अगर बात करें बरवाड़ा में, चारों तरफ से रास्ते बंद हो रहे हैं, आप भी सारी अनूर आओ जाओ हो, बरवाड़ा के हालात देखो अंकल जी किस तरह के हालात है, कड़ियाँ बढ़ने की जगह कौन छोड़ रही है? कोई बढ़ने की जगह नहीं, पीछे पीछे खाने का काम करें, काम कर दे को नहीं, पीछे पीछे चाहिए अधिकारियाँ ने खाने, बाकी कुछ नहीं। दूरगामी स्कीम नहीं बनाओगे और ना बनाए और ना बनी, ये 5वां नाला बन दिया, अब तक पानी लगने की कोई निकासी नहीं रहे, तो बनाई सड़क तो भी नहीं डूबता रहेगा, अधिकारी पीछे खांदे रहेंगे और अपना काम चलाते रहेंगे, ना कदे बने और ना बने बरवाड़ा का काम। ये तो नारियल फोड़ दिए सर, सड़क बनने लग गई थे रोज देखा, सिर फूटे डेड है, सिर भी फूटे से, एक्सीडेंट भी हो रोज, हाँ मैं रोज बीच बचावा करवा, किम बात नहीं भाई, किम बात नहीं थोड़ी थोड़े में काम चाल के तरह यो वाला तो रे से अब तो नहीं जड़ी नाली देखो दे बोलो परसों ने एसपी की गाड़ी फूटी हिंदी है। अच्छा और है के दिक्कत हो गई थी, दिक्कत के होगी माटी में है। अच्छा और है, तो हमें भी जगह ऑटो की जो बात कराएं, अपना पर्सनल साधन की बात करा, फिलहाल जो बात करा खेदड़ रोड तो आप एंट्री करो हो एकदम, तो इस तरह के हालात हो जाए, आगे साधन लिगड़ने की जगह को नहीं, किस तरह मैनेज कर रहे हो? सह को नहीं साधन लिगड़ने की जगह कड़ा लिया वहाँ, कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ा, जमा है टूटन हो रहे हमारे साधन सारे। और भाई साहब ऐसा है दिक्कत की देख लो, अब उस साइड में देख, सामने देख बस स्टैंड के नीचे लवा देखिए परली साइड में, वीडियो करके भाई दिखाइए, टपड़ने वास्ते रास्ता नहीं है इंसान को, ये बच्चे भी जावा स्कूल के, हम भी को लंबा चौड़ा सिस्टम को नहीं, मैं भी एक ताता पानी बेचू जाएगी दुकान मेरी ये गली है, मैं चाह तो बेच लिया यार, ताता पानी वो यार के करा मजबूरी है यार,
कोई आवे नहीं गए और ताता पानी बेचना पड़ा भाई। अच्छा। हम नहीं बालक पालने हैं, फिर ये हालत रही बालक छोड़ो, हम खुद ही भूखे मरने वाले काम हो जाएंगे भाई। भाई साहब अगर बात करूँ, इतनी बार लाइन बिछली अंकल ने बताया भी, 5 बार पहले बिछली, 6ठी बार भी लागी नहीं लागन, तो केला गई की बार किमें सुधार होगा, पानी निकलेगा, पानी की निकासी होगी? भाई साहब ऐसा है ना, तो पानी लिगड़े पर वाला का अरे ना कहते लिगड़िया, यो सिस्टम नुए रहना है। अच्छा। जब तक अरे 5वीं साल में सरकार नहीं बदलेगी, नहीं इतना यो सांग भांग नुए रहना है। तो भाई हालात बरवाड़ा की अगर बात करें, अपने बरवाड़ा के हालात आपती पूरी पूरी दिखाने का काम करांगे कि बरवाड़ा का विधायक थी जो है बेस्ट विधायक का अवार्ड मिला है, लेकिन बरवाड़ा के हालात आप देखने लग रहे हो किस प्रकार के हालात हो गए। थोड़ी थोड़ी बारिश अगर हो जाए, थोड़ी थोड़ी बारिश के अंदर जो है पूरी की पूरी गाड़ पूरे के पूरे रोड जो है बरजे हैं, यानी पूरा किश्ती तक चलाने का काम करे। पहले आपने मेरी वीडियो भी देखी होगी कि मैंने ऑन रोड जो है किश्ती चलाने का काम करा था, किश्ती चला दी मैं, स्कूटी नहीं पेट्रोल घड़ा महंगा भाई, न्यू सोच के लिया थे फिर सोकर भरावा मोटरसाइकिल लिया पेट्रोल गला लेंगे पड़ेगी, मतलब तेल बचाने की कोशिश कर दी, फायदा कौन होया, कोई फायदा नहीं भी हो। ये हालात हो रहे हालात जमा माड़े, मैं तो नुको हाँ भाई को पानी लिकट जे, पानी लिकट दे किस तरह काटा भाई, ये विधायक लाले कोई लाले भाई, जिला परिषद कोई है ये देख, फिलहाल तो मौका की बात विधायक की करें क्योंकि विधायक मालिक सर, फिर मालिक है तो सोचे तो नहीं खो दिखा गेट दिया सौदा है, अरनी में गल्ला था सियाक गल्ला है, गल्ला था 24 में तो बाद की बात है, मन तो बोटे कटवा दिया, मक्के में नहीं आठ लग रही, जी उतरेगा। अच्छा। मक्के में आठ को लग रही, अपना खावांगे कमावांगे जी साहब, मतलब 2 रोटी की जगह 1 रोटी खा के पेट भर लेंगे, किसी के ललित तलवे चाटेंगे 8 को नहीं। अच्छा। टिकाई दरवांगे, यानी होटल तो भी है, तन्ने भी तो बनाया विधायक जी, काम नहीं हो, मेरी बात सुन, होटल में जद होऊंगा जद अगला मेरा क्या काम करे, छोरी थी और छोरी के सर पर हाथ दे रहा था और 2 शेर भी दिए थे, मैं बेटा तो जीतेगी। अच्छा। ठीक है। अच्छा। उन्हें नुए नहीं बेरा, नेंदर कौन है, नेंदर हूँ मैं। अच्छा। वो छोरी हटके मिली फिर ना, क्या नहीं वो तो ही कौन मिला है कौन मिला है, कमाल कर रहा है और तो विधायक हो गया, मैंने दूर है रहना, फिर मेरे द्वारा कुछ गाड़ का रोड का बजट आओ, मैं भेजू बजट तो इंदो रहा ही है, तो कौन बनवा दे, देखो भाई जैसे रूस के अंदर है ना 100 साल के बजट तैयार होते हुए, 100 साल बाद जनसंख्या बढ़ेगी ना, तो रोड की इतनी हमें लंबाई करनी है क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी, 100 साल की उन लोगों के विजन है, एडवांस प्लानिंग है, लेकिन हमारे देख ले यार, वो विधायक आज वो पैट दे है, वो विधायकारी खाए जो फाइला में कागज ये कर दे, वो मतलब 5 साल का विजन भी नहीं है, कहाँ जाएगा हमारा देश, गर्त में जाएगा, कोई विजन नहीं, 100 साल के विदेशों में जो फॉरेन कंट्री 100 साल का विजन और यहाँ 2 साल का विजन नहीं, आप देख सकते हैं विजन बताए थे मास्टर जी, साल भर पहले है कि ग्रिल है, ग्रिल रोड के ऊपर ग्रिल लगवाई थी, बड़ा पत्थर लग रहा है इसका आगे बिजली बोर्ड का आगे, बहुत बड़ा पत्थर लग रहा है, कई करोड़ का बजट आधार ये ग्रिल लगवाई थी, साल भर को नहीं पड़वाया कि उल्टी चाली है फिर ये ग्रिल गई और अब ईंट पड़ फाड़न लग रहे वहाँ थाना का आगे, वो जाओगी गुरदफुर्द में, ये ग्रिल दोबारा आऊंगी मैं अपने न्यू याद दुआ के जाऊंगा, ये ग्रिल दोबारा लगेंगे यार अटके पत्थर लगे भाई, देखो ये तो फिर अधिकारी है राजनेता, ये तो है देश यार, एक आम जनता को पीसा जा रहा है, हर इनके घर बनने लग रहे हैं, आम जनता गरीब होने जाने लग रही है, माला माल तो देश का तो मेरे हिसाब से बेड़ा गर्क होगा ही। तो भाई मैं एजुकेशन की बात करूँ, आप देश को छोटी छोटी गुड़ियाँ जो जिस तरह से जान लग रही हैं, ये हालात हो रहे हैं, किस तरह कितनी समस्या का सामना जो इनकी करना पड़ा है, इन तभी अगर बात करेंगे, एक मिनट आ जाओ भाई, एक मिनट, कितनी समस्या तो कहाँ से आओ भाई, डाटा से सर, डाटा से आते हो के तुम पढ़ने आओ, लाइब्रेरी में आओ, नहीं पढ़ने आते तो कितनी समस्या का सामना करना पड़ा, उरा गलियां थोड़ी सी बारिश होते बहुत ही समस्या का सामना तो आने जाने में समस्या हो जाती है, होती है सर, बरवाड़ा में तो कौन सी भी गली नहीं है कि सही से आ जाए, एक रास्ता भी नहीं है, नहीं है सर। तो भाई ये हालात हो रहे हैं, और भी कुछ बहन अपने पास है भाई, कौन से गांव से आते हो, ब्याणा खेड़ा से, के करो लाइब्रेरी में आओ, लाइब्रेरी में, तो अगर गाड़ा की मैं बात करूं तो कितने एक संतुष्ट हो बरवाड़ा की गाड़ा, गाड़ 2 दिन से टूटी फूटी है सारी, एक भी सही कोनी जाने की, पूरे कोनी के सारे बरवाड़ा में कोनी, इस साइड के तो बाकी उस साइड का तो पता नहीं, साइड को तो सारी यही सी,
तो मतलब इस माहौल में पढ़ने को कर पाओ, क्योंकि देखो सवेरे घर तो निकला तो फ्रेश माइंड तो निकला हाँ, और उरा दिन गाड़ा में देखना पड़ा को गाड़ी वाला छिंटे मर गया, को गाड़ी वाला चिकड़ बगा गया। बात तो आई, हम तो बस इतना ही कह सकते हैं, अगर आप क्रवास को आप आपकी आवाज कोई सुन सके तो प्लीज कुछ तो करे, सभी को दिक्कत है ये, हम हमको नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो, बारिश हो तब और भी ज्यादा, यहाँ पर हम लाइब्रेरी बहुत मुश्किल से। एजुकेशन पर कितना असर पड़ने लग रहा है इस माहौल का? बहुत पड़ा, अगर एजुकेशन हम अगर पढ़ना चाहते तो हम अपने आसपास का एरिया साफ सुथरा देखना चाहेंगे, तभी हम अपना मूड बना सकते हैं पढ़ाई का, वो चीज़ है कोई वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। कहाँ से आते हो आप? हम बियानाखेड़ा से। बियानाखेड़ा, तो भाई रास्ते में कोशिश करी थी कि वे जो बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं उनसे उनकी बात करा कि किस प्रकार के हालात जो बरवाड़ा के हो चुके हैं, तो हालात का आपने बेरा भाई पहले मैंने तो पूरी कोशिश कर ली, ऑन रोड में तो किश्ती तक चला के दिखा दी थी कि भाई पानी जब बारिश आ जाए तो बरवाड़ा में किश्ती चलनी शुरू हो जाए, साधन बंद हो जाए, यानी यह सुविधा। और आज एक नई चीज़ लिख रही कि बरवाड़ा के अंदर आसपास का गाँव की अगर बात करा किसे की डिलीवरी हुआ है तो डिलीवरी कराने खेतर अस्पताल में जाने की जरूरत को नहीं, बरवाड़ा की एक दो गाड़ का चक्कर मार दो गाड़ी के अंदर डिलीवरी हो जाए, ऐसे हालात हो गए हैं, इतनी समस्या का सामना जो करना पड़ा है। तो भाई वीडियो ने एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि इस हल्के का जो मालिक है जिसकी बेस्ट अवार्ड मिला है भाई, बेस्ट विधायक होने का अवार्ड उसकी दिया गया है, तो उन तक यह बात पहुँचे, उन तक यह बात जानी चाहिए। हाँ भाई साहब। अरे भाई बरवाड़ो है फैल, अच्छा जमा फैल है बरवाड़ो, अच्छा किमी है ही को नहीं, की है बता दे, मैंने की है दिखा दे, दिखा दे देखिए है बरवाड़ा में, दिखा दे की है, मैं डाने गाणू भाई। तो भाई आम जनता आम पब्लिक के विचार है, तो वीडियो शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो भाई चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।